सुकरात कहते हैं कि सभी को खुश रखना असंभव है। कोई चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, हर किसी को खुश नहीं कर सकता। आपकी प्राथमिकता स्वयं की सच्चाई और आत्मसम्मान होनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कोई आपको पसंद नहीं करता? ये 7 संकेत देखो। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें पसंद नहीं करता, है ना? लेकिन कैसे पता करें कि यह सच है या सिर्फ हमारा वाहम है? चिंता मत करो दोस्तों, आज हम ऐसे 7 संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता। तो तैयार हो जाइए अपनी नजरें तेज करने के लिए और देखते हैं कि कौन आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है। पहला और सबसे आसान संकेत है आंखों का संपर्क। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो वह आपसे आंखें मिलाने से कतराएगा। ध्यान से देखना, जब भी आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वह इधर उधर देखने लगेंगे, अपने फोन में व्यस्त हो जाएंगे या फिर किसी और से बात करने लगेंगे। इससे पता चलता है कि वह आपसे बात करने में ज्यादा रुचि नहीं रखते। हो सकता है कि वह आपसे झूठ बोलने, बहाने बनाने या फिर किसी भी तरह की बातचीत से बचना चाहते हों। लेकिन रुको, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो भी व्यक्ति आपसे आंखें नहीं मिलाता वह आपको पसंद नहीं करता। हो सकता है कि वह शर्मीला हो, घबराया हुआ हो या फिर उसे किसी बात की चिंता हो। इसलिए सिर्फ इसी एक संकेत के आधार पर किसी के बारे में राय मत बनाओ। अगर आपको किसी के व्यवहार पर शक है तो थोड़ा और ध्यान से देखो और बाकी संकेतों पर भी गौर करो, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, प्रूफ इज इन द पुडिंग। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वह आपको सिर्फ एक शब्द में जवाब दे रहा है तो इससे पता चल सकता है कि वह आपसे बात करने में ज्यादा रुचि नहीं रखता। उदाहरण के लिए, अगर आप उनसे पूछते हैं, आपका दिन कैसा रहा, सबसे पहले और वह सिर्फ ठीक या फिर अच्छा जवाब देते हैं तो हो सकता है कि वह आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहते। ऐसे लोग आपके सवालों से बचने की कोशिश करते हैं और बातचीत को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। वह आपकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे और न ही आपसे कोई सवाल पूछेंगे। लेकिन यहां भी एक बात ध्यान रखने वाली है, हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव ही शांत हो और वह ज्यादा बातू न हो, या फिर उस दिन उसका मूड ठीक न हो या वह किसी बात को लेकर परेशान हो। इसीलिए सिर्फ इसी एक संकेत के आधार पर किसी के बारे में राय मत बनाओ। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे जानबूझकर दूरी बना रहा है तो थोड़ा और ध्यान से देखो और बाकी संकेतों पर भी गौर करो। दोस्तों, अगर आपके दोस्त या सहकर्मी मिलकर कोई प्लान बना रहे हैं और जानबूझकर आपको उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं तो इससे साफ पता चलता है कि वह आपको अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं मानते। हो सकता है कि वह आपके साथ समय बिताना पसंद न करते हों या फिर उन्हें लगता हो कि आप उनके ग्रुप में फिट नहीं बैठते। यह बात काफी दुखद हो सकती है, खासकर तब जब आप उन लोगों को अपना दोस्त मानते हों। लेकिन ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को समझाएं कि हर किसी के साथ दोस्ती होना जरूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ग्रुप से जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है तो सबसे पहले तो खुद से यह सवाल पूछो कि क्या आप वाकई उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या वह लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उनके साथ करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो बेहतर होगा कि आप अपने लिए नए दोस्त ढूंढें जो आपकी कद्र करें और आपके साथ समय बिताना पसंद करें। याद रखें, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। चौथा संकेत है बातचीत के दौरान ध्यान न देना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वह बार बार अपना फोन देखता है, इधर उधर देखता है या फिर ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो इससे पता चल सकता है कि वह आपको ज्यादा पसंद नहीं करता। ऐसे लोग आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते और न ही उन पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं। वह आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और न ही आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। लेकिन यहां भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का ध्यान किसी और बात में हो या फिर वह किसी समस्या से जूझ रहा हो। इसलिए सिर्फ इसी एक संकेत के आधार पर किसी के बारे में राय मत बनाओ। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बातों में जानबूझकर दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो थोड़ा और ध्यान से देखो और बाकी संकेतों पर भी गौर करो। 5वां संकेत, हर बात पर तर्क।
शायद आपकी राय उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं। दोस्तों, अगर आप किसी से बात करते हैं और वह हर छोटी छोटी बात पर आपसे बहस करने लगता है, तो इससे पता चलता है कि वह आपकी राय का सम्मान नहीं करता। यह संकेत इस बात का हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता और आपके विचारों को महत्वहीन समझता है। ऐसे लोग हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं और दूसरों की बातों को गलत ठहराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। वे अपनी बात को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करते हैं और दूसरों की राय को नकारने में ही विश्वास रखते हैं। यह व्यवहार काफी परेशान कर सकता है, खासकर तब जब आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हों। यह स्थिति तब और भी तनावपूर्ण हो जाती है जब आप किसी समाधान या समझौते की तलाश में होते हैं। ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह आपकी बात को समझने की बजाय उसे काटने और अपनी बात थोपने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह रवैया संवाद को बाधित करता है और किसी भी सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने में रुकावट डालता है। लेकिन यहां भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव ही बहसबाज हो, या फिर वह उस विषय पर काफी जानकारी रखता हो और अपनी बात को जोरदार तरीके से रखना चाहता हो। कभी कभी लोग अपने ज्ञान को साझा करने के लिए भी बहस करते हैं। इसलिए सिर्फ इसी एक संकेत के आधार पर किसी के बारे में राय मत बनाओ। यह भी संभव है कि वह व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी हर बात पर बिना वजह बहस कर रहा है, तो थोड़ा और ध्यान से देखो और बाकी संकेतों पर भी गौर करो। यह आपको एक बेहतर समझ देगा कि वह व्यक्ति वास्तव में क्या सोचता है और क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। छठा संकेत, मिलने का टाइम ना निकालना। लगता है आप उनकी प्राथमिकता नहीं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने का समय नहीं निकालता है, तो इससे पता चलता है कि वह आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा महत्व नहीं देता। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आप उनकी प्राथमिकताओं की सूची में ऊपर नहीं है। हो सकता है कि वह आपके साथ समय बिताना पसंद न करता हो, या फिर उसे लगता हो कि आप उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह स्थिति तब और भी कठिन हो जाती है जब आप उस व्यक्ति को अपना खास मानते हो और उसके साथ समय बिताना चाहते हो। यह बात काफी दुखद हो सकती है, खासकर तब जब आप उस व्यक्ति को अपना खास मानते हो। समझना जरूरी है कि हर किसी की जिंदगी में कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, और हो सकता है कि उस समय आप उनकी प्राथमिकता न हो। लेकिन ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को समझाएं कि हर किसी की जिंदगी में कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, और हो सकता है कि उस समय आप उनकी प्राथमिकता न हो। यह आत्मविश्लेषण का समय हो सकता है जब आप खुद से पूछें कि क्या आप वाकई उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे जानबूझकर दूरी बना रहा है और आपके साथ समय नहीं बिताना चाहता, तो सबसे पहले तो खुद से यह सवाल पूछो कि क्या आप वाकई उस व्यक्ति के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। क्या वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा आप उसके साथ करते हैं? क्या वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा आप उसके साथ करते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप अपने लिए ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपकी कद्र करें और आपके साथ समय बिताना पसंद करें। ऐसे लोग जो आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं और आपके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर जवाब नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप अपने लिए ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपकी कद्र करें और आपके साथ समय बिताना पसंद करें। ऐसे लोग जो आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं और आपके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। सातवां संकेत, बॉडी लैंग्वेज कहती है सब कुछ। ध्यान से देखो दोस्तों, कभी कभी शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। यह एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय आपसे नजरें चुराता है, अपने हाथ बांध कर रखता है, या फिर ऐसे इशारे करता है जो यह दर्शाते हैं कि वह आपसे बात करने में रुचि नहीं रखता, तो इससे पता चल सकता है कि वह आपको पसंद नहीं करता। यह संकेत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज हमारे अवचेतन मन का प्रतिबिंब होती है,
और यह हमारी भावनाओं और विचारों को साफ साफ दर्शाती है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अंदर की भावनाओं को बाहर लाता है। इसलिए अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह आपको उन संकेतों को पहचानने में मदद करेगा जो शब्दों से छिपे होते हैं। लेकिन यहां भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होती है, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी बुरी नीयत के ऐसे इशारे कर रहा हो। इसलिए हर संकेत को सही संदर्भ में समझना जरूरी है। इसलिए सिर्फ इसी एक संकेत के आधार पर किसी के बारे में राय मत बनाओ। हमेशा अन्य संकेतों और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखो। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे जानबूझकर दूरी बना रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी यही दर्शती है, तो थोड़ा और ध्यान से देखो और बाकी संकेतों पर भी गौर करो। इससे आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 संकेत। जो यह बताते हैं कि कोई आपको पसंद नहीं करता। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ संकेत हैं, कोई फैसला नहीं। किसी के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।